नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह आपका स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम अभी क्लास 8 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 2 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ओके, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, तो आप सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चंस का मीनिंग, क्योंकि क्वेश्चंस का मीनिंग ही नहीं समझ में आता तो हम क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। अगर हम यहीं पे इस इक्वेशन का इस क्वेश्चंस का इक्वेशन बना के देंगे हम स्टूडेंट को तो स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर देता है, लेकिन उससे इक्वेशन ही नहीं बनती है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको कि स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर हम उसको इक्वेशन बना के दे देंगे तो वो सॉल्व कर लेता है। तो चलिए आज हम यही चीज समझने वाले हैं कि इक्वेशन को हम कैसे इजिली फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, एक ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। यानी एक ग्रैंडफादर है वो अपनी ग्रैंडडॉटर से 10 times ओल्डर है। अगर ग्रैंडडॉटर 10 साल की है, बात ध्यान से सुनना, अगर ग्रैंडडॉटर 10 साल की है तो 10 times का मतलब 10 into 10 हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर कितने साल के हो जाएंगे? 10 into 10 यानी 100 years। इफ ग्रैंडडॉटर इज 10 year old देन ग्रैंडफादर विल बी 100 year old। यानी 10 times हमें करना है। अगर हमने ग्रैंडडॉटर को एक्स ले लिया तो ग्रैंडफादर 10x हो जाएंगे, यानी कि हमें 10 times करना है सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ही इज ऑल्सो 54 year older देन ग्रैंड डॉटर, यानी कि वो जो ग्रैंडफादर है 54 year बड़े हैं किससे? ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, तो हमें इन दोनों का एज सपोज करना है, चूंकि हमारा वन वेरिएबल है तो हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो लेट द एज ऑफ ग्रांड डॉटर बी एक्स एंड ग्रैंडफादर बी 10x ईयर। ठीक है, यानी कि ग्रैंडडॉटर जो है उसको हमने ले लिया x, यानी x ईयर है उसका एज, तो ग्रैंडडॉटर का 10 times हो जाएगा यानी कि 10x ईयर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से, गिवन क्या गिवन है कि एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 54 year older देन हर, यानी कि ग्रैंड डॉटर से, तो यहां पे हो जाएगा ये एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल्स टू 54 plus एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ये चीज बहुत ध्यान से सुनना है, यही सेंटेंस है, यही पे स्टूडेंट का गलती हो जाता है। यानी कि क्या बोला था कि ग्रैंडफादर 54 year older है, यानी कि 54 year बड़े हैं, समझ गए ना? तो 54 year बड़ा कौन है? ग्रैंडफादर। तो हमें दोनों का एज बराबर करना है, तो क्या करेंगे हम? ग्रैंडडॉटर की एज में हम उतना ऐड कर देंगे तो दोनों का एज बराबर। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 54 plus एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। अब जो भी ग्रैंड डॉटर का एज होगा उसमें 54 ऐड कर देंगे तो दोनों का एज बराबर हो जाएगा ना, बस हो गया। यही तो की पॉइंट है आपका। ठीक है, तो अब एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या लिए हम बताइए? ये देखो 10x, तो हमने यहां लिख दिया 10x, वेरी इजी, ये 54 है एज इट इज, प्लस एज ऑफ ग्रैंड डॉटर क्या लिए हमने एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ये आप देखेंगे क्वेश्चन में एक्स, तो हमने ये एक्स लिख दिया। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉरी वन वेरिएबल्स बन गया, जो हम पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किए 2.3 में। तो इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, यानी कि सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस एक्स को इधर ट्रांसफर करके ले आते हैं, इधर पॉजिटिव है ट्रांसफर करेंगे तो निगेटिव, 10x एज इट इज माइनस एक्स हो जाएगा और ये 54 एज इट इज, 10x यानी 1x जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 54।
अब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 54/9। ये बहुत यहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 को नीचे कैसे ला दिए, तो इसके लिए भी मैं बता दे रहा हूं कि आप 9 जो है x के मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर ले जाएंगे तो हमारा डिवाइड हो गया। यहां हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, किसी भी टर्म्स को ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, इस चीज ध्यान रखना है। ठीक, अब इसको 9 के टेबल में कैंसिल, 9 9 9 6 54। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है ना, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो अब x इज इक्वल टू 6 आ गया, वो बोल रहे हैं कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उन दोनों का एज बताना है, किसका, ग्रैंड डॉटर का और ग्रैंड फादर का। तो ग्रैंड डॉटर का एज क्या है, x, और ग्रैंड फादर का क्या है, 10x। तो यहां पे क्या करेंगे, देयरफॉर एज ऑफ ग्रैंड डॉटर दैट इज x, और x का वैल्यू कितना निकला, 9। तो 6 है ना, 6 ईयर, तो ग्रैंड डॉटर 6 ईयर हो गया। फिर एज ऑफ ग्रैंड फादर ये कितना है, 10x, 10 टाइम्स बोले ना, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू 6, यानी कितना निकला, 60 ईयर। तो ग्रैंड फादर हो गए 60 ईयर के और ग्रैंड डॉटर हो गए 6 ईयर के, ये देखो दोनों में, और डिफरेंस 54 का आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे और भी इजी क्वेश्चंस से आप सॉल्व करने के लिए, इजी ट्रिक्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे इस चैनल का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।